और चलिए अब बात करेंगे पहाड़ों की, बात करेंगे हिमाचल की, जहां पर नए सीएम पर मंथन जारी है। कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगा, विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी है। 24 घंटे के अंदर और उससे भी पहले सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज पर्यवेक्षक दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां पर इस समय तमाम जो कयास हैं, तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनावों को लेकर, चाहे बात अगले साल होने वाले राज्यों में चुनाव हो या फिर बात होने वाले आम चुनाव हो, इसको लेकर जो केंद्र, जो जिस तरीके से आलाकमान का फैसला रहने वाला है, कांग्रेस आलाकमान का, वो कहीं ना कहीं भविष्य में एक संदेश भी देगा, एक संकेत भी देगा। जितने भी नाम इस समय सामने आ रहे हैं, उन नामों के पीछे एक बड़ी वजह भी है और उन नामों के साथ एक अलग ही तरीके के संकेत भी जुड़ते नजर आएंगे। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के साथ हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर और साथ ही हमारे साथ संवाददाता आलोक भंडूरिया, जो कि शिमला में लगातार प्रचार के समय वहां पर रहे हैं, इसके साथ ही जब नतीजे हैं वहां पर रहे हैं। प्रदीप, सबसे पहले सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल क्या हलचल देखी जा रही है इस समय? सीएम फेस की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं मैदान वर्सेस पहाड़ में तब्दील होती जो दिखाई दे रही है, इसमें आलाकमान कौन सा पाला फेंक सकता है? बिल्कुल, देखिए गेंद अब पूरी तरह से आलाकमान के पाले में है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है, किसे विधायक दल के नेता के तौर पर जो है वो लेना है। तो ऐसे में अभी की जो ताज़ा जानकारी है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, शिमला में ये 5 सितारा होटल है सिसिल, यहाँ पर तीनों ऑब्जर्वर रुके हुए हैं, जिसमें भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और साथ में राजीव शुक्ला, और अभी यहाँ पर प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुकेश अग्निहोत्री सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं मिलने के लिए, और उनके साथ साथ बाकी भी विधायक, काफ़ी सारे विधायक, सुंदर ठाकुर भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी जो विधायक अनिरुद्ध सिंह भी यहाँ पहुँचे थे लेकिन अभी बाहर निकल गए हैं, कुलदीप राठौर भी जो है वो बाहर निकले हैं, और ये आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। हर्षवर्धन चौहान हैं, ये बाहर निकले हैं, शिलाई से जो है ये जीते हैं। तो ऐसे में तो क्या कहने जा रहे हैं ये भी जानकारी साझा करेंगे। क्या पूछना है आपने? चौहान साहब, आप भी यहाँ मिलने पहुँचे हैं, क्या बैठक में रहा? पिछले कल विधायक दल की बैठक भी हुई है, सीएम फेस को लेकर किस तरह के नतीजे पर अभी तक पहुँचे कांग्रेस? नहीं, कल जो है सभी कांग्रेस के विधायक जो है कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए हैं, और हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं बघेल जी और शुक्ला जी, इनके हमने वन लाइन रेजोल्यूशन पास किया है कि कांग्रेस हाईकमांड जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा, और मीटिंग के बाद जो है वो इंडिविजुअली जो है हर विधायक से हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो मिले हैं, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वर्स ने जो है इंडिविजुअल MLAs की राय जानने की कोशिश की है। अब हाई कमांड पे फैसला छोड़ा है और जो भी हाई कमांड फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। सर, और तक आएगा फैसला? अब ये तो हाई कमांड पर डिपेंड करेगा कि भाई कब होगा, वो इट इज़ फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड, मगर मुझे लगता है वेरी शॉर्टली हो सकता है, मे बी कल या परसों को जो है, मे बी कल या परसों को हो जाएगा, क्योंकि अब शुक्ला जी भी और बघेल जी भी वो दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, दे आर हेयर, आज जो हैं वो यहीं पे हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कल तक तो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। ये बीच में चर्चा बात की जो निर्दलीय विधायक है वो भी आप लोगों को समर्थन देने, ऐसी कोई चर्चा है? नहीं, वैसे तो निर्दलीय विधायक की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी है, 40 लोगों की मेजॉरिटी है हमारे पास, मगर
अगर तीनों विधायक जो हैं वो हमको समर्थन देंगे तो हमको और भी इजी हो जाएगा। वैसे तो हमें इंडिपेंडेंट एमएलए की जरूरत नहीं है और हमारे पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है। सर, वन टू वन बात हुई है, आज फिर से विधायकों को बुलाया गया, क्या बात कहीं सहमति नहीं बनी? नहीं, आज जो है विधायकों को नहीं बुलाया गया, विधायक लोग सभी लोग खुद ही आए हैं मिलने, क्योंकि वैसे इनका प्रोग्राम जाने का था, आज 12 बजे इनका जाने का था, तो इसलिए कटसी के लिए जो है सभी विधायक आए हैं, बैठ करके जनरल चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चल बातें कर रहे हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं, देखो एक बात बताऊं, मैं मीडिया को, मैं आपको कांग्रेस की तरफ से कहना चाहूंगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल। कांग्रेस के 40 के 40 जो विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस हाई कमांड को स्वीकृत दी है, जो भी कांग्रेस हाई कमांड का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा और हमारी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन होगी वो बहुत स्मूथ होगी, बहुत कंफर्टेबल होगी और किसी की तरफ से भी कोई विरोध या कोई आपत्ति नहीं है। हम 40 के 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो है वो एक होकर के जो है हिमाचल में सरकार बनाएंगे और जो हमने वायदे किए हिमाचल की जनता से और जो जनादेश और हमको जो मैंडेट हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है हम उसको पूरा करेंगे। हम एक हैं, हम एक रहेंगे और पूरे 5 साल तक जो है जनता की आशाओं के मुताबिक जो है हम चलेंगे। चौहान साहब, अगर बात करें जो विधायकों के बीच से ही मुख्यमंत्री को चुना जाएगा या फिर बाहर से भी हो सकते हैं? देखो ये तो कांग्रेस हाई कमांड पे डिपेंड करेगा, मतलब मैं तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। ये तो कांग्रेस हाई कमांड जिस पे भी चुनेगा वो उसको सहमति होगी उसके लिए। हर्षवर्धन जी, ये जानकारी मिली है कि प्रतिभा सिंह की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे किया गया है? मुझे नहीं जानकारी। सर, देखो ऐसा नहीं कि सर आपका सभी डाटा भी मांगा गया है, आला कमान ने कोई इस तरह की सूचना है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाई कमांड को सबके बायोडाटा का पता है और हाई कमांड जिस पे भी फैसला करेगा वो सबको माननीय होगा। वो ओके, थैंक यू। बिल्कुल, तो प्रदीप कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया है जिस तरीके से हर्षवर्धन चौहान को हमने सुना कि जो आला कमान है उसका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य रहेगा। प्रदीप, नजर आप बनाए रखिएगा और इसके साथ ही आलोक भांडूरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब उनके पास हम चलते हैं। आलोक, देखिए अक्सर ऐसी स्थिति में कई संभावनाएं होती हैं, जो तीन नाम रेस में सबसे आगे हैं, चाहे बात प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, दीपशिका, देखिए एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं हम कि जो वो ऑब्जर्वर थे उन्होंने आज दिल्ली जाना था लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है कि वो आज वापस नहीं जा रहे हैं और शिमला में ही रहेंगे और विधायकों के साथ बातचीत होगी। वन टू वन बातचीत जो पिछले कल भी हुई है, आज फिर से ये वन टू वन बातचीत होगी और इस वक्त भी विधायक जो इनसे मिलने पहुँच रहे हैं ऑब्जर्वर से और अपनी बात रख रहे हैं, बारी बारी करके उनसे मिल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, तो अब ये जो है कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर जो छिड़ा हुआ है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है और कांग्रेस के नेता अपने अपने स्तर पर अपनी बात रखने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, तो ये जो है अब बड़ी जानकारी है कि अब वापिस नहीं लौट रहे हैं। आज भूपेश बघेल, भूपिंदर सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला जिन्होंने दिल्ली जाना था, प्रियंका गांधी को रिपोर्ट देनी थी, तो अब वो आज यहीं रहेंगे और कल जो है वो दिल्ली जाएंगे, कल रिपोर्ट देंगे। उससे पहले सभी विधायकों के साथ फिर से राय मशवरा करने की कोशिश होगी, जो बड़ी लीडरशिप है उनके बीच भी सहमति बनाने की कोशिश यहां की जाएगी। जी दीप्ति, बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, बड़ी और अहम खबर देखिए, आज जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें दिल्ली जाना था, रिपोर्ट अपनी सौंपनी थी, लेकिन आज वो दिल्ली नहीं जाएंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज शिमला में ही ऑब्जर्वर रहेंगे और जो विधायक है उनसे फिर से मुलाकात उनकी रहने वाली है, वन टू वन रहेगा और साथ ही उनकी राय मशवरे को यहां पर एक बार फिर से जाना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस के जो तमाम नेता है बार बार ये कह रहे हैं कि आला कमान जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन आला कमान क्या फैसला लेगा इसकी जो कहीं ना कहीं एक समीकरण बनाने की जो कोशिश है वो अभी भी विधायक कर रहे हैं। किस तरीके से रिपोर्ट आला कमान के सामने पेश की जाएगी इसको लेकर यहां पर विधायकों की ओर से, जो तमाम नेता हैं उनकी ओर से अभी यहां पर कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जो ऑब्जर्वर है आज वो शिमला में ही रुकेंगे और उसके बाद जाकर अपनी रिपोर्ट एक बार फिर से सौंपेंगे। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए
कुल मिलाकर लगातार जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं हाईकमान का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा, लेकिन पर्यवेक्षकों का एक और दिन यहां पर रुक जाना, विधायकों से एक बार फिर से बात करना, कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे रहा है फैसला आसान नहीं होने वाला है, विधायकों को मनाना जरूरी है। और इसके साथ ही जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उस रिपोर्ट में तमाम समीकरण और तमाम जो चीजें हैं उनको एक बार फिर से जांचा और परखा जाएगा। बिल्कुल दीपशिखा, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस तरह से जो पहले तय कार्यक्रम था उसमें दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी, और पिछले कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें यही तय हुआ था कि जो पार्टी आलाकमान फैसला लेगा उस पर जो है पूरा का पूरा विधायक दल उसकी सहमति रहेगी, उसको मंजूर रहेगा आलाकमान का फैसला। लेकिन जिस तरह से दावेदारी है यानी तीन नेताओं में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हालांकि इसमें मुख्यमंत्री को लेकर इन तीनों के बीच में ये भी हो सकता है कि कोई गतिरोध चला है और अपने अपने नाम जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसी स्थिति में अब जो आज इनका रुकने का कार्यक्रम बना है तो बिल्कुल अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार रिपोर्ट में क्या जाता है, किसका नाम आगे रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आलोक भंडूरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक भंडूरिया, बड़ी खबर इस समय अभी हमें प्रदीप ने दी है जो कि कुछ और संकेत दे रहा है, हो सकता है रिपोर्ट में जो नाम आगे जा रहा हो उसको लेकर कहीं ना कहीं विधायक संतुष्ट ना हो और एक बार फिर से 1-to-1 होना चाह रहे हो। हाँ बिल्कुल दीपशिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा अगर देखा जाए तो कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करेगी इस मामले में, बड़ा पेचीदा मामला है और 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापस लौटी है, ऐसे में कांग्रेस किसी भी जल्दबाजी से बचने का पूरा प्रयास करेगी, कोई भी ऐसी बात ना हो जाए जिससे पार्टी को उसका परिणाम भुगतना पड़े, ऐसे कांग्रेस बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जो पार्टी पर्यवेक्षक वहाँ पर गए हुए हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सब चीज़ों से भली भांति परिचित है, बिल्कुल एक सुलझे हुए राजनेता है, उनको सब उतार चढ़ाव राजनीति के उन्होंने देखे हैं, उनको पता है। वहीं अगर बात करें तो भूपेश बघेल, वो भी राजनीति में बहुत महारत हासिल किए हुए, वहीं राजीव शुक्ला, तो तीनों जो वहाँ पर नेता इस समय कांग्रेस हाईकमान की ओर से जो मौजूद हैं वो पल पल की अपडेट लेकर के हाईकमान के वो लगातार और हाईकमान के पास रिपोर्ट कैसे जाएगी इसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है विधायकों की ओर से, और जो नेता है जो सीएम फेस इस समय आगे चल रहे हैं उनकी दौड़ में उन तमाम जो नेता है उनकी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ दर्शकों को एक बार फिर ये हम बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सीएम पद को लेकर, पर्यवेक्षक जिन्हें आज दिल्ली जाना था अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी आज वो ऑब्जर्वर शिमला में ही रहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल आज शिमला में ही रहेंगे। विधायकों की राय एक बार फिर से ली जा रही है, यानी कि रिपोर्ट में जो नाम होगा कहीं ना कहीं उस नाम को लेकर एक बार फिर से जो संकोच है वो हो सकता है सामने आए।